अपनी जन्मभूमि और लखनवी अंदाज, जहां अजान और घंटनाद साथ साथ सुनाई देते हैं और जहां की जबान में जलेबी की मिठास और अंदाज में गुलाबों की नजाकत, सैकड़ों खासियतें रखने वाला ये राज्य। आज बात करेंगे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का कला के साथ बहुत ही पुराना रिश्ता है। आदिमानव की गुफाओं में उकेरे हुए चित्र जो बताते हैं कि यहाँ मानव का और कला का कितना पुराना एक दूसरे से गठजोड़ है। बात उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और सोनभद्र की गुफाओं तक ही नहीं रुकती। उत्तर प्रदेश में और भी कई कलाएं अपना खासा वर्चस्व रखती हैं, जिसमें जरी एम्ब्रॉयडरी, ग्लास वर्क, चिकनकारी आदि जैसी कई कलाएँ हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ के रग्स और कारपेट्स की, तो वो तो बेहद खूबसूरत हैं। पर आज बात करेंगे संजनी आर्ट की। हालांकि यहाँ पे बुंदेला पेंटिंग्स, मुगल पेंटिंग्स और राजपूत पेंटिंग्स का भी खासा प्रभाव है, पर आज मथुरा में पलने वाली छोटी ये संजनी आर्ट से बात। और जब बात मथुरा की है, तो कृष्ण कन्हैया कैसे दूर रह सकते हैं। स्टेंसिल्स के ऊपर रोज़मर्रा की बैलगाड़ी, मोर, पक्षी आदि बनकर हिस्सा बन जाते हैं इस कला का। सपाट सतह पर स्टेंसिल्स को रखा जाता है और उस पर रंगों को बिखेरा जाता है। जितने सहज अंदाज में मैं आपसे कह रही हूँ, हालांकि उतना सहज नहीं इसे बनाना। हाँ, लेकिन कुछ कुछ रंगोली की तरह होती है ये कला। अगर आप अगली बार मथुरा जाएं, तो प्रसाद के साथ साथ संजनी आर्ट का टीका भी ज़रूर लगा के आइएगा। आज की बात बस इतनी ही। अगले शनिवार फिर मेरे साथ मुलाकात कीजिए। आर्टीज प्रेजेंटेड बाय सेवार्ट। टिल देन, गुड बाय।